हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 9.5। क्वेश्चन नंबर 7 इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। फाइंड फर्स्ट पार्ट इज 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। ओके, तो आपको ये जो गिवन आइडेंटिटी है ये यूज़ करते हुए आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक बार आइडेंटिटी वापस यहाँ पे एज इट इज़ राइट डाउन कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है जो हम बॉक्स में आप ब्रैकेट बॉक्स के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, बॉक्स में पैक रखेंगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो आइडेंटिफाई करने के लिए देखो, आप जो आइडेंटिटी गिवन है ये वाली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको क्वेश्चन का फॉर्म नज़र आ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड का है पार्ट। अब कंपेयर करेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, वेयर ए इज इक्वल 51 एंड ऑन कंपेयरिंग बी इज इक्वल 49। ये देखो स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, स्क्वायर से स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे। ए इज इक्वल 51 मिला, यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल क्या आ गया 49। तो डायरेक्टली हमें इस जो 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर है ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम आर एच एस में ए एंड बी की वैल्यू पुट कर देंगे। देन ए प्लस बी दैट इज 51 प्लस 49 मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इट मीन्स 51 माइनस 49। ओके, अब इनको ऐड कर लो आप, 1 प्लस 9 10, 0 1 कैरी हुआ, 4 और 1 5 और 5 10। ओके, 100 इंटू ये 51 माइनस 49 दैट इज 2 एंड 2 इंटू 100 इज 200। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द पार्ट नेक्स्ट, पार्ट सेकंड दैट इज 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर। इसका भी आपको ये आइडेंटिटी यूज करते हुए सॉल्व फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्लियर। तो अब सबसे पहले हम आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है वो राइट डाउन करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब जो गिवन क्वेश्चन है वो लेफ्ट हैंड साइड है आइडेंटिटी का, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। अब देखो कंपेयर करेंगे, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर को इग्नोर कर दीजिए। अब ए इज इक्वल क्या मिला हमें, ए इज इक्वल 1.02 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 0.98। ओके, एंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट इन द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी, देन वी गेट सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देन वी पुट हियर ए इज इक्वल 1.02 प्लस बी इज इक्वल 0.98 ब्रैकेट, वैल्यू ऑफ ए इज 1.02 माइनस वैल्यू ऑफ बी इज 0.98। ओके, अब ये ऐड करेंगे इसमें तो 2 प्लस 8 इज 0 10, 1 कैरी हुआ एंड 9 एंड 1 10, फिर 1 कैरी हुआ 1 एंड 1 2, आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से ये सबट्रैक करना है तो 12 में से 2 सब 8 सबट्रैक हुआ तो 4 एंड 9 में से 9 0, तो देन वी हैव 0.04। ओके,
टू मल्टीप्लाई बाई जीरो फोर मीन्स टू मल्टीप्लाई बाई फोर मीन्स एट, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद में लगा हुआ, वन एंड टू। यहाँ पे भले ये आप इसको हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर। ओके, तो टू इंटू फोर एट बन जाएगा, और वन एंड टू, टू डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, तो ये वन एंड जीरो लगा के ये टू डिजिट के बाद पॉइंट, दिस इज योर आंसर। नाउ टुडेज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर सेवन पार्ट थर्ड, दैट इज 153 स्क्वायर माइनस 149 स्क्वायर। ये सेम आइडेंटिटी यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड नोटेड डाउन इन योर फेयर नोटबुक। लेट्स डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर एट, यूजिंग एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 103 मल्टीप्लाई बाई 104। दिस इज द पार्ट फर्स्ट। ओके, फर्स्टली वी हैव टू चेंज गिवन क्वेश्चन इंटू द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके, तो ये इस फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो x और x, ठीक है, ये सेम आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू सेम बननी चाहिए। तो इसको हम क्या राइट डाउन करेंगे, 103 को मैं राइट डाउन कर दूंगा 100 प्लस 3 इज इक्वल इंटू 104 को क्या मैं पुट कर दूंगा 100 प्लस 4। ओके, तो 103 को हमने 100 प्लस 3 राइट डाउन किया एंड 104 को 100 प्लस 4 राइट डाउन कर दिया। अब जो आपको ये आइडेंटिटी गिवन है, ये वाली फॉर्म बना दी हमने गिवन क्वेश्चन की, तो x प्लस ए यानी कि 100 प्लस 3, तो एंड x प्लस बी मीन्स 100 प्लस 4। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ x इज सेम, a इज 3 एंड b इज 4 ऑन कंपेयरिंग द अबव आइडेंटिटी। सो वी राइट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई x प्लस बी इज इक्वल x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दिस इज आर आइडेंटिटी विच वी यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट वी कंपेयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x a एंड b। ओके, तो हाउ टू वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, दिस इज सो सिंपल, x इज इक्वल ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड विद अबव। ओके, तो x वैल्यू ऑफ x इज 100 हियर, वैल्यू ऑफ a दिस इज a 3 एंड वैल्यू ऑफ b इज 4। क्लियर? वैल्यू ऑफ x a एंड b पुट इन राइट हैंड साइड for finding the value of given question. Clear? Now value of x is 100 means right hand side mein put karenge the 100 square plus a plus b, a means 3 and value of b is 4, it means 3 plus 4 multiply by x, value of x is 100, so we multiply by 100 प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 4, 3 इंटू 4। ओके, 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर मीन्स अब 20 आ रहे हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम 0 आ जाएंगे, ये इट मीन्स 10,000। 3 प्लस 4 इज 7 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड 3 4 आर 12, 10,000 प्लस 7 इंटू 100 इज 700 प्लस 12, ऑन एडिंग दीज टर्म्स देन वी गेट 2 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 2, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 7 प्लस 0 7, 0 एज इट इज एंड 1, this is your answer. Now come to the part second, that is 5.1 multiply by
5.2। ओके, सो 5.1 मल्टीप्लाई बाई 5.2, इनका मल्टीप्लाई करना। फर्स्टली वी चेंज दिस नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ x प्लस ए इनटू x प्लस बी। x प्लस ए इनटू x प्लस बी की फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? अब वैल्यू x की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, तो इसका सिंपल सा प्रोसेस क्या होगा, 5 प्लस 0.1 हम 5.1 को 5 प्लस 0.1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5.2 को सिमिलरली हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 5 प्लस 0.2। ओके, ये हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब ये वाला जो फॉर्मेट बना ना, ये x प्लस ए x प्लस बी का फॉर्मेट बन गया। ओके, तो मैं आइडेंटिटी यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, दिस इज आर आइडेंटिटी। ऑन कंपेयरिंग द अबव विद द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी, देन वी हैव x इज इक्वल 5 एंड वैल्यू ऑफ a, देखो दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x, ओके दिस इज a एंड वैल्यू ऑफ a इज 0.1 एंड वैल्यू ऑफ b इज 0.2। ओके, वैल्यू ऑफ x a एंड b पुट इन द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी, देन वी हैव 5 स्क्वायर, x स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ a प्लस b मीन्स 0.1 प्लस 0.2 प्लस a इंटू b, दैट इज a इंटू b, दैट इज 0.1 इंटू 0.2। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 स्क्वायर दैट इज 25, सॉरी यहाँ पे वैल्यू ऑफ x भी पुट करना है हमें, वैल्यू ऑफ x इज 5, ये मल्टीप्लाई में है, क्लियर, ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे इनका एडिशन क्या बनेगा, 0.3 इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 2 कर लेते हैं, सिंपल सा 1 इंटू 2 मीन्स 2। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट, 1 एंड 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा, तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा के ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट इस टाइप से हम पुट कर देंगे। देन वी हैव 25 प्लस 5 इंटू दिस 1.5, 5 3 15, और सिंगल डिजिट के बाद में पॉइंट मीन्स 1.5 एंड 0.02। अब इनका एडिशन का सिंपल सा प्रोसेस क्या रहेगा, अपने यहाँ पे सेकंड, ये डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट चेक करना, सेकंड डिजिट एक जगह ही आ रहा है यानी कि 2 ही है, फिर फर्स्ट पॉइंट के जस्ट पहले का डिजिट 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 प्लस 0 इज 5। एंड अब डेसिमल के बाद में एक तो ये आएगा, यूनिट का डिजिट ये है, यूनिट डिजिट में ये यूनिट डिजिट ऐड होगा तो 6 हो जाएगा एंड 2। दिस इज योर आंसर। नाउ योर होमवर्क इज पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट थर्ड, 103 इंटू 98 बाई दिस क्वेश्चन सॉल्व बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।